मध्य प्रदेश ने वर्ग तीन की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश ने वर्ग तीन में पंजीयन करवाने के लिए सभी कैंडिडेट को बहुत कम समय दिया है। दिए गए समय के अंदर ही सभी को पंजीयन करवाना होगा। सबसे पहले हम वर्ग तीन में लगने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। 10वीं की मार्कशीट पर ही आपकी जन्म तारीख को देखकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। 12वीं की भी मार्कशीट देनी होगी। बैचलर की डिग्री में आपको मार्कशीट सभी सेमेस्टर की देनी होगी। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अतिथि शिक्षा ज्ञान का प्रमाण पत्र भी देना होगा जो कि अभी चालू कंडीशन में है। दिव्यांगता और भूतपूर्व सैनिक के पास भी एक अधिकारी द्वारा वैध सर्टिफिकेट होता है, वह देना होगा। सभी सेमेस्टर की बीएड की मार्कशीट और डीएलडी की मार्कशीट भी आपको देनी होगी। इसमें भी आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट देनी होगी। जो आवेदक करता आयु आरक्षण वर्ग में लाभ उठाना चाहता है उसको प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदन करता यदि अपना नाम या उपनाम में परिवर्तन करवाता है तो उसका परिवर्तन का सर्टिफिकेट देना होगा। यदि कोई अपना राज्य परिवर्तन करता है तो उसको राज्य का प्रमाण पत्र भी देना होगा। वर्ग तीन के शेड्यूल की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि वर्ग तीन में पंजीयन आपको 17 नवंबर 2022 से चालू कर दिए गए हैं, यह केवल 24 नवंबर 2022 तक चलेंगे। वर्ग तीन की काउंसलिंग में 8 दिसंबर 2022 के अंतर्गत आपको मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। वर्ग तीन के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि 9 दिसंबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 रखी गई है। जिला स्तर पर आलेख का सत्यापन करने के लिए आपको 21 12 2022 से 1 जनवरी 2023 की तारीख दी गई है। स्थापन उपरांत चयन की सूची और उम्मीदवारों के लिए शालाओं की घोषणा जनवरी 2023 में की जाएगी। नौकरी का आदेश आपके हाथ में फरवरी 2023 को दे दिया जाएगा, इसके आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगी। यदि आप वर्ग तीन की काउंसलिंग में पंजीयन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक लिंक की जरूरत होगी, जो लिंक यहाँ इस वेबसाइट पर डाली गई। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको पंजीयन कैसे करें के सामने एक लिंक दिखाई देगी। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने टीचर रिक्वायरमेंट काउंसलिंग का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे मांगी गई सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। आप किसके लिए काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हो उसके लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना होगा, आपकी बर्थ डेट, यह बर्थ डेट आपको 10th की मार्कशीट पर जो डली हुई है वही डालनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल से कर रहे हो या ईमेल, मोबाइल नंबर से करना हो तो मोबाइल नंबर से या आप फिर ईमेल से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर प्लस करके डालना है। यदि कैप्चा समझ में नहीं आए तो रीलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा रीलोड होकर आ जाएगा, दूसरा कैप्चा खुलकर आ जाएगा। सब कुछ डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास अभी रोल नंबर नहीं है, इसलिए मैं इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता।